A cup of tea. महदी फेल बिल्कुल सुंदर नहीं था. नहीं, आप उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता था. सुंदर? ठीक है, अगर आप उसे टुकड़ों में ले गए, लेकिन क्यों इतनी क्रूर के रूप में टुकड़े करने के लिए किसी को भी लेने के लिए हो सकता है? वह युवा, शानदार, बेहद आधुनिक, उत्कृष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार थी, आश्चर्यजनक रूप से नई पुस्तकों के नवीनतम में अच्छी तरह से पढ़ी गई थी, और उनकी पार्टियां वास्तव में महत्वपूर्ण लोगों का सबसे स्वादिष्ट मिश्रण थीं और कलाकार विचित्र जीव, उसकी खोज, उनमें से कुछ शब्दों के लिए बहुत भयानक थे, लेकिन अन्य काफी प्रस्तुत करने योग्य और मनोरंजक. दोनी 2 साल शादी की थी. वह एक लड़के की एक बतख था. नहीं, पीटर माइकल नहीं, और उसके पति ने पूरी तरह से उसे प्यार किया. वे अमीर थे, वास्तव में अमीर, न सिर्फ आराम से अच्छी तरह से बंद है, जो घिनौना और भरी हुई है और एक के दादा दादी की तरह लगता है. लेकिन अगर मेहंदी की दुकान करना चाहता था, वह पेरिस के लिए आपके रूप में जाना होगा और मैं बॉन्ड स्ट्रीट के लिए जाना होगा. अगर वह फूल खरीदना चाहती थी, तो कार रीजन स्ट्रीट में उस सही दुकान पर खींची गई, और दुकान के अंदर दोनी ने सिर्फ उसके चकाचौंध, बल्कि विदेशी तरीके से देखा, और कहा, मैं उन और उन लोगों को चाहता हूँ, मुझे उन लोगों में से 4 गुच्छे दें, और गुलाब का वह जार. हाँ, मेरे पास जार में सभी गुलाब होंगे. नहीं, कोई लिलाक नहीं. मैं बकाइन से नफरत करता हूँ. यह कोई आकार नहीं मिला है. परिचर झुकाया और बकाइन को दृष्टि से बाहर रखा, जैसे कि यह केवल बहुत सच था. बकाइन भयानक बेरहम था. मुझे उन बेवकूफ छोटे ट्यूलिप दो, उन लाल और सफेद वाले. और वह एक पतली दुकानदार द्वारा कार का पीछा किया गया था, जो एक विशाल श्वेत पत्र के तहत चौंका देने वाला था, जो लंबे कपड़े में एक बच्चे की तरह दिखता था. एक सर्दियों की दोपहर वह कर्जॉन स्ट्रीट में एक छोटे से प्राचीन वस्तुओं की दुकान में कुछ खरीद रहा था. यह वह पसंद आया एक दुकान थी. एक बात के लिए, आम तौर पर यह अपने आप को था, और फिर जिस व्यक्ति ने इसे रखा, वह उसकी सेवा करने का हास्यास्पद शौक था. वह जब भी वह अंदर आया था, वह चिल्लाया. उसने अपने हाथों को पकड़ लिया. वह इतना प्रसन्न था कि वह शायद ही बात कर सकता था. चापलूसी, जाहिर है, सब एक ही वहाँ कुछ था. आप देखते हैं मैडम, वह अपने कम सम्मानजनक स्वरों में समझाएगा, मैं अपनी चीजों से प्यार करता हूँ. मैं उन लोगों के साथ भाग नहीं दूंगा जो उन्हें सराहना नहीं करते हैं, जो उन्हें बेचने की तुलना में उन लोगों के साथ हिस्सा नहीं लेते हैं जो इतनी दुर्लभ है. और गहराई से सांस लेने में उन्होंने नीले मखमल के एक छोटे से वर्ग को अनारक्षित किया और उसे अपनी पीली उंगली युक्तियों के साथ ग्लास काउंटर पर दबाया. दिन के लिए यह एक छोटा सा बॉक्स था. वह यह इसके लिए रख दिया गया था. उसने इसे अभी तक किसी को नहीं दिखाया था. एक शीशे का आवरण के साथ एक अति सुंदर थोड़ा तामचीनी बॉक्स तो ठीक यह देखा के रूप में, हालांकि यह क्रीम में पकाया गया था. ढक्कन पर 1 मिनट प्राणी एक फूल के पेड़ के नीचे खड़ा था, और 1 और मिनट प्राणी अभी भी उसकी गर्दन के चारों ओर उसकी बाहों था. उसकी टोपी वास्तव में एक जीरियम पंखुड़ी से बड़ा नहीं, एक शाखा से लटका दिया. इसमें हरे रंग के रिबन थे, और एक गुलाबी बादल था, जैसे एक चौकस करूब उनके सिर के ऊपर तैरते थे. दोनी उसे लंबे दस्ताने के बाहर उसके हाथ ले लिया. उसने हमेशा ऐसी चीजों की जांच करने के लिए अपने दस्ताने हटा दी. हाँ, वह इसे बहुत पसंद आया. वह इसे प्यार करता था. यह एक महान बतख था. वह यह होना आवश्यक है. और मलाईदार बॉक्स मोड़, खोलने और इसे बंद. वह देख कैसे आकर्षक उसके हाथ नीले मखमल के खिलाफ थे, मदद नहीं कर सका. दुकानदार, अपने मन के कुछ मंद गुफा में ऐसा भी सोचने की हिम्मत हो सकती है, के लिए वह एक पेंसिल ले लिया, काउंटर पर लैंट, और उसकी पीली रक्तहीन उंगलियों उन गुलाबी चमकती लोगों की ओर डरपोक क्रैप्ट के रूप में वह धीरे बड़बड़ाहट, अगर मैं मैडम के लिए बाहर बात करने के लिए उद्यम हो सकता है. छोटी महिला की चोली पर फूल, आकर्षक. रोजमेरी ने फूलों की प्रशंसा की, लेकिन कीमत क्या थी? एक पल के लिए दुकानदार सुनने के लिए प्रतीत नहीं होता था, फिर एक बड़बड़ाहट उस पर पहुंच गया. 28 गिनी मैडम. 28 गिनी. दोनी कोई संकेत नहीं दिया. वह छोटे से बॉक्स नीचे रखी, वह उसके दस्ताने फिर से बटन
20 गिनी। यहाँ तक कि अगर एक समृद्ध है, वह स्पष्ट लग रहा था। उसने शॉपमैन के सिर के ऊपर एक मोटा मुर्गी की तरह एक मोटा चाय केतली पर देखा और उसकी आवाज सपने देखने वाली थी, क्योंकि उसने उत्तर दिया था, ठीक है, इसे मेरे लिए रखें। क्या आप करेंगे? मैं हूँ। लेकिन दुकानदार पहले से ही झुकाया था, जैसे कि उसके लिए इसे रखने के लिए कोई भी इंसान पूछ सकता था। वह निश्चित रूप से तैयार होगा उसे हमेशा के लिए रखने के लिए। विचारशील दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद। वह कदम पर बाहर था, सर्दियों की दोपहर को देखते हुए। बारिश गिर रही थी और बारिश के साथ ऐसा लग रहा था कि अंधेरा भी आया, राख की तरह कताई। हवा में एक ठंडा कड़वा स्वाद था और नई रोशनी वाली दीपक उदास लग रही थी। दूखी घरों में रोशनी विपरीत थे। डिमली वे जला दिया के रूप में अगर कुछ पछतावा, और लोग जल्दी से उनके घृणित छतरियों के नीचे छिपा हुआ। महदी एक अजीब पैंग महसूस किया। वह उसके स्तन के खिलाफ उसके चूक दबाया। वह कामना, वह थोड़ा बॉक्स था भी करने के लिए चिपटना। बेशक कार वहां थी, वह केवल फुटपाथ पार करने के लिए चाहते हैं। लेकिन फिर भी वह इंतजार कर रहे थे। क्षण है जीवन में भयानक क्षण, जब कोई आश्रय से उभरता है और दिखता है, और यह भयानक है। एक उन्हें रास्ता देने के लिए नहीं था, एक को घर जाना चाहिए और एक अतिरिक्त विशेष चाय होना चाहिए। लेकिन यह सोचने के बहुत ही पल में एक जवान लड़की, पतली अंधेरा छाया, वह कहां से आई थी, डैश दोनी की कोहनी पर खड़ा था और एक सांस की तरह आवाज, लगभग एक सोब की तरह, पृष्ठ 28 सांस ली। मैडम, क्या मैं आपसे एक पल बोल सकता हूँ? मुझसे बात करो। महदी बदल गया। उसने भारी आंखों के साथ एक छोटे से पस्त प्राणी को देखा, कोई काफी युवा, खुद से अधिक पुराना नहीं, जो लाल हाथों से उसके कोट कॉलर पर पकड़ता था और शिवत जैसे कि वह सिर्फ पानी से बाहर आ गया था। एम मैडम, आवाज स्टैमर्ड, क्या आप मुझे चाय के एक कप की कीमत है? चाय का एक कप? उस आवाज में कुछ सरल ईमानदार था। यह कम से कम एक भिखारी की आवाज में नहीं था। तो क्या तुम पैसे बिल्कुल नहीं? दोनी पूछा। कोई नहीं मैडम, जवाब आया। असाधारण कैसे? दोनी शाम के माध्यम से पेयर्ड और लड़की उस पर वापस गेस्ट। असाधारण से अधिक कैसे? और अचानक यह दोनी के लिए इस तरह के एक साहसिक लग रहा था। यह डॉस्टोयेव्स्की द्वारा एक उपन्यास से बाहर कुछ की तरह था। शाम में यह बैठक, मान लीजिए कि वह लड़की घर ले लिया, मान लीजिए कि उसने उन चीजों में से एक किया जो वह हमेशा मंच पर पढ़ रहे थे या देख रहे थे, क्या होगा? यह रोमांचक होगा। और उसने खुद को बाद में अपने दोस्तों के विस्मय के बारे में सुना, मैं बस अपने साथ घर ले गया। जैसा कि उसने आगे कदम रखा और उसके बगल में उस मंद व्यक्ति से कहा, मेरे साथ चाय के लिए घर आओ। लड़की वापस चौंका, आकर्षित किया। उसने एक पल के लिए कांप बंद कर दिया। दोनी ने एक हाथ बाहर रखा और उसके हाथ को छुआ। मेरा मतलब यह है, उसने कहा मुस्कुराते हुए, और उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट कैसे सरल और दयालु थी। आप क्यों नहीं करेंगे? क्या करना है? अब मेरी कार में मेरे साथ घर आओ और चाय है, लड़की ने कहा। आप इसका मतलब यह नहीं है मैडम, और उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन मैं करता हूँ, दोनी रोया। मैं चाहता हूँ कि आप चाहें मुझे खुश करने के लिए साथ आओ। लड़की ने अपनी उंगलियों को उसके होंठों पर रख दिया और उसकी आंखों ने दोनी को खा लिया। तुम मुझे पुलिस स्टेशन पर नहीं ले रहे हो? वह स्टैमर्ड। पुलिस स्टेशन? दोनी बाहर हंसे। मुझे इतना क्रूर क्यों होना चाहिए? नहीं, मैं केवल आपको गर्म और सुनने के लिए चाहता हूँ, डैश जो कुछ भी आप मुझे बताने की परवाह करते हैं। भूख लगी लोगों को आसानी से नेतृत्व कर रहे हैं। फुटमैन ने कार का दरवाजा खुला रखा और एक पल बाद वे शाम के माध्यम से स्किमिंग कर रहे थे। वहाँ, दोनी कहा। वह जीत की भावना थी के रूप में वह मखमल का पट्टा के माध्यम से उसके हाथ फिसल गया। वह कह सकती थी, अब मैं तुम्हें मिल गया है, जैसा कि उसने उस छोटे कैप्टिव पर देखा था जिसे उसने नेट किया था। लेकिन निश्चित रूप से वह यह कृपया मतलब, ओह कृपया से अधिक, वह इस लड़की को साबित करने जा रही थी कि जीवन में अद्भुत चीजें हुई,
कि प्री गॉडमाएं असली थीं, कि अमीर लोगों के दिल थे और यह की महिलाएं बहनें थीं। वह आवेगपूर्ण रूप से बदल गई, कह रही है, डरो मत, सब के बाद तो मेरे साथ वापस क्यों नहीं आना चाहिए? हम दोनों महिलाएं हैं, अगर मैं अधिक भाग्यशाली हूं, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन खुशी से उस पल में, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वाक्य कैसे समाप्त हो रहा था, कार बंद हो गई, घंटी डंडा था, दरवाजा खोला, और एक आकर्षक के साथ, रक्षा, लगभग आंदोलन को गले लगाने, महदी हॉल में अन्य आकर्षित किया। गर्मी, कोमलता, प्रकाश, एक मीठी खुशबू, उन सभी चीजों को तो उसे परिचित वह भी उनके बारे में कभी नहीं सोचा था, उसने देखा कि अन्य प्राप्त करते हैं, यह आकर्षक था। वह खोलने के लिए सभी अलमारी के साथ उसकी नर्सरी में अमीर छोटी लड़की की तरह था, सभी बक्से खोल करने के लिए। आओ, ऊपर आओ, दौनी ने कहा, उदार होना शुरू करने के लिए लालसा, मेरे कमरे में आओ, और इसके अलावा वह नौकरों द्वारा देखा जा रहा से इस गरीब छोटी चीज को छोड़ देना चाहता था। उसने फैसला किया कि वे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वह जीन के लिए भी रिंग नहीं करेंगे, लेकिन खुद से उसकी चीजों को दूर ले जाएंगे। महान बात यह है कि प्राकृतिक हो गया था। और वहाँ दौनी फिर रोया के रूप में वे तैयार पर्दे के साथ उसे सुंदर बड़े बेडरूम पर पहुँच गया। आग उसे अद्भुत लाह फर्नीचर, उसे सोने कुशन और हल्के पीले रंग और नीले कालीनों पर छलांग। लड़की सिर्फ दरवाजे के अंदर खड़ा था, वह घबराया लग रहा था, लेकिन रोजमेरी ने यह ध्यान नहीं दिया। आओ और बैठ जाओ, उसने रोया, उसकी बड़ी कुर्सी को आग में खींच लिया, इस आराम कुर्सी में आओ और गर्म हो जाओ, तुम इतनी भयानक ठंड लग रही हो। मैं डेरा नहीं मैडम, लड़की ने कहा, और वह पीछे की ओर बढ़ गई। ओह कृपया डैश रोजमेरी आगे दौड़, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, आपको वास्तव में नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, और जब मैंने अपनी चीजों को हटा दिया है तो हम अगले कमरे में जाएंगे और चाय लेंगे और आरामदायक होंगे। आप क्यों डरते हैं? और धीरे से उसने आधा पतली आकृति को अपनी गहरी पाला में धकेल दिया, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था। लड़की रुके बस के रूप में वह डाल दिया गया था, उसके पक्षों और उसके मुंह थोड़ा खुला द्वारा उसके हाथों से। काफी ईमानदार होने के लिए वह बेवकूफ लग रहा था, लेकिन रोजमेरी से स्वीकार नहीं करेगी, वह उस पर पट्टा करती है, कह रही है, क्या आप अपनी टोपी नहीं ले पाएंगे? अपने सुंदर बाल सभी गीला है, और एक टोपी के बिना इतना अधिक आरामदायक है, एक नहीं है? एक काना फूसी था जो बहुत अच्छा मैडम की तरह लग रहा था और कुचल टोपी को हटा दिया गया था। और मुझे तुम भी अपने कोट के साथ मदद करते हैं, दौनी कहा। लड़की उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह एक हाथ से कुर्सी पर आयोजित किया और दौनी खींच जाने। यह काफी प्रयास किया गया था, अन्य ने शायद ही कभी उसकी मदद की। वह एक बच्चे की तरह डगमगाता लग रहा था और सोचा आया और दौनी मन के माध्यम से चला गया कि अगर लोग मदद करना चाहता था कि वे एक छोटे से, बस एक छोटे से जवाब चाहिए, अन्यथा यह वास्तव में बहुत मुश्किल हो गया। और वह कोट के साथ क्या कर रही थी? उसने इसे फर्श पर छोड़ दिया, और टोपी भी। वह सिर्फ मंटेलपीस से सिगरेट लेने जा रही थी जब लड़की ने जल्दी से कहा, लेकिन इतनी हल्के और अजीब तरह से, मुझे बहुत खेद है मैडम, लेकिन मैं बेहोश होने जा रहा हूँ, मैं दूर जाना होगा मैडम, अगर मैं कुछ नहीं है। अच्छा आकाश, मैं कितना बेकार हूँ। रोजमेरी घंटी के लिए पहुँचे। चाय, चाय एक बार में, और कुछ ब्रांडी तुरंत। नौकरानी फिर से चला गया था, लेकिन लड़की लगभग बाहर रोया, नहीं मैं कोई ब्रांडी नहीं चाहता, मैं ब्रांडी कभी नहीं पीता, यह एक कप चाय है जो मैं चाहता हूँ मैडम, और वह आंसू में फट गई। यह एक भयानक और आकर्षक क्षण था। दौनी उसकी कुर्सी के बगल में नेल्ट। रोना मत गरीब छोटी बात, उसने कहा, रोना मत, और उसने दूसरे को फीता रूमाल दिया। वह वास्तव में शब्दों से परे छुआ गया था। वह पतली पक्षी की तरह कंधे दौर उसके हाथ डाल दिया। अब आखिरकार दूसरा शर्मीली बनना भूल गया, सब कुछ भूल गया, सिवाय इसके कि वे दोनों महिलाएं थीं और बाहर निकल गई,
मैं अब इस तरह नहीं जा सकता, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं अपने आप के साथ दूर करना होगा, मैं अब और नहीं सहन कर सकता। आपके लिए नहीं है शान, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, किसी भी अधिक रोना मत। क्या आप नहीं देखते कि क्या एक अच्छी बात यह थी कि आप मुझसे मिले? हमारे पास चाय होगी और आप मुझे सब कुछ बता देंगे, और मैं कुछ व्यवस्था करेगा, मैं वादा करता हूँ। रोना बंद करो, यह बहुत थकाऊ है, कृपया। अन्य बस मेहंदी के लिए समय में बंद कर दिया था इससे पहले कि चाय आया था पाने के लिए। वह मेज उन दोनों के बीच रखा था। उसने सब कुछ, सभी सैंडविच, सभी रोटी और मक्खन के साथ गरीब छोटे प्राणी को प्लाइड, और हर बार जब उसका कप खाली था तो उसने चाय, क्रीम और चीनी से भर दिया। लोगों ने हमेशा कहा कि चीनी इतना पौष्टिक था। खुद के लिए के रूप में वह खा नहीं था, वह धूम्रपान किया और चतुराई से दूर देखा ताकि अन्य शर्मीली नहीं होना चाहिए। और वास्तव में उस मामूली भोजन का प्रभाव अद्भुत था। जब चाय की मेज दूर किया गया था, एक नया जा रहा है, एक प्रकाश, पेचीदा बाल, काले होंठ, गहरी रोशन आंखों के साथ कमजोर प्राणी, मिठाई सुस्त का एक प्रकार में बड़ी कुर्सी में वापस रखना, आंख को देख। महदी एक ताजा सिगरेट जलाया, यह शुरू करने के लिए समय था। और जब आप अपने अंतिम भोजन किया था, वह धीरे से पूछा। लेकिन उस पल में दरवाजा हैंडल बदल गया। महदी, मैं आ सकता है? यह फिलिप था। बेशक। वह अंदर आया। ओह, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, उन्होंने कहा, और बंद कर दिया और देखें। यह बिल्कुल ठीक है, रोजमेरी मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा दोस्त है, मिस स्मिथ। मैडम, सुस्त व्यक्ति ने कहा, जो अजीब रूप से अभी भी और अडर था। स्मिथ, डॉनी ने कहा, हम एक छोटी सी बात करने जा रहे हैं। ओह हाँ, फिलिप ने कहा, काफी, और उसकी आंखों ने फर्श पर कोट और टोपी की दृष्टि पकड़ी। वह आग में आया और उसे वापस कर दिया। यह एक क्रूरता से दोपहर है, उन्होंने उत्सुकता से कहा, अभी भी उस सुस्त व्यक्ति को देख रहे हैं, अपने हाथों और जूते को देख रहे हैं, और फिर रोजमेरी में फिर से। हाँ, है ना, डॉनी उत्साह से कहा। विले, फिलिप ने अपनी आकर्षक मुस्कान मुस्कुराया, वास्तव की बात के रूप में, उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि आप एक पल के लिए पुस्तकालय में आ जाएं, क्या तुम करोगे? मिस स्मिथ, हमें बहाना होगा। बड़ी आंखें उसे करने के लिए उठाया गया था, लेकिन महदी उसके लिए जवाब दिया, बेशक वह होगा, और वे एक साथ कमरे से बाहर चले गए। फिलिप ने कहा, मैं कहता हूँ, जब वे अकेले थे, समझाओ, वह कौन है? यह सब क्या मतलब है? महदी, हंस, दरवाजे के खिलाफ निर्भर है और कहा, मैं उसे कर्जन स्ट्रीट में उठाया। वास्तव में, वह एक असली लेने है। उसने मुझे एक कप चाय की कीमत के लिए कहा, और मैंने अपने घर को मेरे साथ लाया। लेकिन पृथ्वी पर आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? फिलिप रोया। उसके लिए अच्छा रहो, डॉनी ने जल्दी से कहा, उसके लिए भयावह अच्छा हो, उसके बाद देखो। मुझे नहीं पता कि कैसे, हमने अभी तक बात नहीं की है, लेकिन उसे दिखाएं - उसका इलाज करें, उसे महसूस करें, मेरी प्यारी लड़की, फिलिप ने कहा, आप काफी पागल हैं, आप जानते हैं, यह बस नहीं किया जा सकता है। मुझे पता था कि आप कह सकते हैं कि, डॉनी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ। क्या यह एक कारण नहीं है? और इसके अलावा, कोई हमेशा इन चीजों के बारे में पढ़ रहा है, मैंने फैसला किया। लेकिन, फिलिप ने धीरे धीरे कहा, और उसने एक सिगार के अंत में कटौती की, वह बहुत आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। सुंदर? डॉनी इतना हैरान था कि वह ब्लश्ड। क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। अच्छा भगवान, फिलिप ने एक मैच मारा, वह बिल्कुल सुंदर है, फिर से देखो, मेरे बच्चे मैं पर बोल्ड था जब मैं अपने कमरे में अभी आया। हालांकि, मुझे लगता है कि आप एक भयानक गलती कर रहे हैं, क्षमा करें, प्रिय, अगर मैं कच्चे और यह सब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि मिस स्मिथ समय पर हमारे साथ भोजन करने जा रहा है, मुझे मिलिनर के राजपत्र को देखने के लिए। आप बेतुका प्राणी, महदी ने कहा,
और वह पुस्तकालय से बाहर चला गया, लेकिन उसके बेडरूम में वापस नहीं। वह अपने लेखन कक्ष के पास गया और उसे डेस्क पर बैठ गया। सुंदर, बिल्कुल सुंदर, पर बोल्ड, उसके दिल एक की तरह हराया। भारी घंटी, सुंदर, सुंदर। वह उसकी ओर उसकी चेक किताब आकर्षित किया, लेकिन नहीं, चेक निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होगा। वह एक दराज खोला और 5 पाउंड नोटों बाहर ले लिया, उन्हें देखा, दो वापस डाल दिया और उसके हाथ में 3 निचोड़ा पकड़े, वह अपने बेडरूम में वापस चला गया। आधे घंटे बाद फिलिप अभी भी पुस्तकालय में था, जब दोनी में आया था। उसने कहा, मैं केवल आपको बताना चाहता था, उसने कहा, और वह फिर से दरवाजे के खिलाफ झुक गई और उसे अपने चकाचौंध विदेशी टकटकी के साथ देखा, मिस स्मिथ आज रात हमारे साथ भोजन नहीं करेगा। फिलिप ने कागज डाल दिया। ओह, क्या हुआ है? पिछली सगाई? महदी पर आया और उसके घुटने पर बैठ गया। वह जा रहा पर जोर दिया, उसने कहा, तो मैं गरीब छोटी बात पैसे की एक वर्तमान दे दी है। मैं उसे उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं रख सकता, क्या मैं कर सकता हूँ? वह धीरे से जोड़ा। महदी सिर्फ उसके बाल किया था, उसकी आँखें एक छोटे से अंधेरा, और उसके मोती पर डाल दिया। उसने अपने हाथ रखे और फिलिप के गालों को छुआ। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? उसने कहा, और उसका स्वर मीठा, कर्कश, उसे परेशान किया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, उन्होंने कहा, और उसने उसे तंग किया, मुझे चूमो। एक विराम था। फिर रोजमेरी ने सपने में कहा, आज मैंने एक आकर्षक छोटे से बॉक्स देखा, यह 2 रात गिनी लागत। मैं यह हो सकता है? फिलिप ने उसे अपने घुटने पर कूद दिया। आप थोड़ा बेकार हो सकते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन यह है कि वास्तव में क्या दोनी कहना चाहता था नहीं था। फिलिप, उसने फुसफुसाए और उसने अपनी छाती के खिलाफ अपना सिर दबाया, क्या मैं सुंदर हूँ?